जब से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और कोच ब्रैंडन मैकलम बने हैं, तब से इंग्लिश टीम के टेस्ट क्रिकेट में खेलने का तरीका बिल्कुल बदल सा गया है। बैच और स्टोक्स की जोड़ी ने इंग्लैंड की टीम को टेस्ट में एक नया तरीका बताया है, ट्रेडिशनल वे ऑफ प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। इस हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करने का मतलब है आप मैदान पर ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हैं, थोड़ा स्लो खेलते हैं, लेकिन बैच बॉल टेक्निक ने इस स्टिपुलेटेड फॉर्म को थोड़ा पीछे छोड़ दिया है। मैकलम ने कोच बनने के बाद टीम के खेलने के तरीके में बदलाव करते हुए आक्रामक बल्लेबाजी के जरिए विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। आक्रामक बल्लेबाजी की रणनीति को बैच बॉल रणनीति कहा जाता है। इसका कारण यह है कि मैकलम का निक नेम बैच है और इसी के आधार पर इस रणनीति को बैच बॉल कहा जाता है। मैकलम और स्टोक्स की जोड़ी ने इस रणनीति को काफी बखूबी खेल में इस्तेमाल किया है। बल्लेबाजी अब टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से नहीं बल्कि थोड़ा वनडे के हिसाब से करिए। तेज खेलिए, विरोधी टीम पर तेजी से रन बनाकर दबाव डालिए और जब आप गेंदबाजी करने आइए वहां भी दूसरी टीम के पूरे 10 विकेट लीजिए। आसान भाषा में ये है असल में बैच बॉल टेक्निक। बता दें कि बैच बॉल रणनीति इंग्लैंड के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई है। बेन स्टोक्स के कप्तान बनने और ब्रैंडन मैकलम के मुख्य कोच बनने के बाद इंग्लैंड ने 13 टेस्ट में से 11 में जीत दर्ज की है। इस दौरान उसने करीब 5 रन प्रति ओवर की औसत से बल्लेबाजी की है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण चल रही एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में ही देखने को मिला है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ खेल दिखाया और पहले दिन 393 रन जड़ डाले। बल्लेबाजी में सभी बल्लेबाजों ने तेज गति से रन बनाए और 8 विकेट गंवाकर 393 रन बनाए और उसके बाद पारी घोषित कर दी गई। इंग्लैंड के इस फैसले ने सभी को भले ही चौंका दिया हो, लेकिन यह फैसला टीम की एक सोची समझी रणनीति है। अब इंग्लैंड की निगाहें यहां से ऑस्ट्रेलियाई टीम के 10 विकेटों पर होंगी। वो जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेट लेकर दोबारा बल्लेबाजी करना चाहते होंगे। ये है इंग्लिश टीम की आक्रामक और साहसी बैच बॉल रणनीति। वहीं कुछ दिग्गजों का कहना है कि हमेशा आपको ये रणनीति फायदा नहीं पहुंचाएगी, आपके पास प्लान बी का होना भी जरूरी है। बता दें कि इंग्लैंड ने अपनी बैच बॉल रणनीति के जरिए भारत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को टेस्ट क्रिकेट में मात दी है। अपनी रणनीति के जरिए इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया, तो वहीं भारत के खिलाफ भी एकमात्र टेस्ट मैच में जीत दर्ज की है। आपको ये रणनीति कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।